शिवम का मैं रुक कर लेती हूँ। शिवम जरा दिखाइए आपके यहाँ की तस्वीरें, काफी लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं आपके पीछे। शिवम तक आवाज तो पहुंची लेकिन शिवम की आवाज नहीं आ पा रही है। जैसे ही कोंडा गांव की तस्वीरें कोंडा गांव की तस्वीरें हैं और बता दें अपने दर्शकों को कि दरअसल यहां से बीजेपी से पूर्व मंत्री लता उसेंडी मैदान में हैं, कांग्रेस से मोहनलाल मरकाम वो मैदान में हैं, दो बार के विधायक भी है मरकाम ने। ये दावा भी किया कि अब तीसरा जो हैट्रिक है, तीसरी हैट्रिक जीत का फिर से लगाऊंगा। ठीक है, तो ये कोंडा गांव की एक बार मैं सुकमा का भी रुख कर लेती हूँ। आशा आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं, आ रही हूँ शिवम आपके पास, वापस आ रही हूँ, फिलहाल सुकमा का रुख कर लेती हूँ। आशुतोष जरा दिखाइए वहां की तस्वीर, क्योंकि वहां से सुबह सुबह ही मतदान की शुरुआत होती है और वहां से आईईडी ब्लास्ट की तस्वीरें आ जाती है, माओवादियों के अटैक की तस्वीरें आ जाती है। क्या उसके बाद का माहौल, क्या अभी मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं मतदाता, यहाँ का क्या वोटिंग परसेंटेज है इस वक्त? देखिए वोटिंग परसेंटेज तो अभी तक निकल कर सामने नहीं आया है, लेकिन बिल्कुल नक्सली जो है ये दहशत फैलाने की कोशिश एक बार जरूर की है। जिस तरीके से ब्लास्ट की खबरें निकल कर आई, हालांकि मतदाताओं को ये जो भयभीत करने की कोशिश जो है नक्सली लगातार करते हैं और यही वजह है कि आईडी ब्लास्ट और अलग अलग पर्चे डालते हैं। हालांकि यहाँ पर सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत की गई है और लेकिन उससे पहले से ही जो मतदान केंद्रों तक लोग पहुँचे हुए थे, चाहे वो बुजुर्ग की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, सभी जो है बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि वोटिंग काफ़ी स्लो हो रही है, ये शिकायतें लगातार आ रही है। कुछ जो है युवा से बातचीत कर लेते हैं कि क्या सोच के ये मतदान करने आए हैं, आप क्या सोच के मतदान करने आए हैं, क्या कुछ मुद्दे कोंटा विधानसभा के कह रहे हैं? इससे पहले और भी आए थे, सबको बताया हूँ, हम पढ़े लिखे लोग हैं, छोटी से छोटी चीज़ें हैं जो हमारे सुकमा जिला में नहीं है वो हमको चाहिए रहता है। उसके लिए हम लोग बाहर बाहर में जाके पैसे खर्चा करते हैं बहुत ज़्यादा, क्वालिफाई हुए तो हुए, नहीं तो नहीं हुए, वो सारे चीज़ हमको हमारे डिस्ट्रिक्ट में चाहिए। रोजगार को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं रहती है। हाँ, रोजगार ज़्यादातर यहाँ पे ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे होकर भी कुछ नहीं कर पाते रोजगार को लेकर, तो ऐसी सरकार चाहिए हमको जो सबको एक समान देखे, सबको रोजगार का हक दे। ठीक है, आप क्या सोच के मतदान करने पहुंचे हैं? रोजगार जरूरी है, सबसे बड़ा चीज रोजगार। ठीक है, महिलाओं से भी बातचीत कर लेते हैं, आप क्या सोचते हैं महिलाओं के लिए कोंटा विधानसभा में कुछ हुआ है, क्या कुछ मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? जी, आप पढ़ाई करती हैं? जी मैं सर। तो यहाँ पर एजुकेशन का स्तर कैसा है? हाँ, ठीक नहीं है सर। एजुकेशन का स्तर ठीक है? पहली बार मतदान करने पहुँच रही है सर। तो क्या सोच के आई है कि कैसे जनप्रतिनिधि हमारे बीच होने चाहिए? ठीक होना चाहिए सर, मतलब रोजगार जो काम करें। हाँ, आप कितने बार मतदान दे चुकी हैं? देखिए, हाँ नहीं बात करेंगे, आप पहली बार मतदान दे रही हैं जी। क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए कोंटा में? हाँ चलिए, थोड़ी सी बात करने में तकलीफ होती है, परेशानी होती है, लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं लोगों युवाओं से बातचीत करने के लिए। आप क्या सोच के आए हैं मतदान करने के लिए? कोंटा विधानसभा पहले से कितना बदला हुआ है? अभी काफ़ी बदलाव है यहाँ पे, जो कि 5 साल से जो कांग्रेस यहाँ पे है काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और मतदान हमारा जो है लोकतंत्र जो है हमको पावर देता है हमारे पास, वो वोट का है तो हम यूज़ करेंगे उसको। बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र का महापर्व है और इसी को लेकर कोंटा विधानसभा में जो है पूरी तरीके से बड़ी संख्या में युवा जो है वो पहुंच रहे हैं, महिलाएं भी जो है वो पहुंच रही हैं। हम सभी से बात करने की कोशिश करेंगे लेकिन अंदरूनी इलाका होने की वजह से जो है बातचीत करने में थोड़ी परेशानी होती है, महिलाएँ बात नहीं कर पाती हैं। आप कितने बार वोटिंग कर चुकी हैं? 3 बार सर इसके साथ। 3 बार किए हैं जी। अच्छा, कोंटा विधानसभा में महिलाओं के लिए क्या कुछ हुआ है? वो तो मुझे नहीं पता सर, मैं नहीं जानती उसके बारे में। आप यहीं रहते हैं? जी नहीं, मैं सुकमा में रहती हूँ। तो अरे तो सुकमा कोंटा विधानसभा में तो आता है? हाँ सर, मुझे नहीं पता है। पता ही नहीं है? अरे तो पता होना चाहिए ना, कैसे आप मतदान करने पहुँच रहे हैं तो बिल्कुल इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्या कुछ कोंटा विधानसभा में आप देखते हैं, कितना बदला है कोंटा? क्या मुर्सार में क्या बताऊंगा सर। कैसे नहीं बताएंगे, मतदाता है आप वोटिंग करने के लिए आए हैं, अपने वोट परसेंटेज को जो है जिसको भी वोट देंगे वो जीत के आएगा। तो हम लोग कौन सा सहायता करेंगे उन लोगों को देंगे सर। जैसे क्या सहायता? जनता द्वारा कौन सा सहायता करना है उन लोगों को वोट देंगे। अच्छा, देखिए थोड़ी सी तकलीफ जरूर होती है, यहाँ पर खुल के चीज़ें नहीं आ पाती हैं, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज थोड़ी सी स्लो जा रही है। हालांकि बढ़ चढ़ कर लोग जरूर पहुँच रहे हैं यहाँ पर मतदान करने के लिए और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि एक शिक्षा और जो रोजगार का मुद्दा इस बार कोंटा विधानसभा क्षेत्र में रहने वाला है जी।
आप बने रहिएगा, हम वापस आपके पास आते रहेंगे, लेकिन अभी